मैं मुंबई यूनिवर्सिटी घुमा था तो इसके कंपैरिजन में इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोग पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। बोलना मत किसी को, तो गाइस सीक्रेट है। ओ हेलो गंदा गड्डी। व्हाट्सअप एवरीवन, तो आपका फिर एक बार स्वागत है ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रहा हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी, आपको टूर दिखाऊंगा। और हे भाई, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, गुजरात यूनिवर्सिटी मुझे कि स्पॉन्सर करेगी। गुजरात यूनिवर्सिटी का मैं एक, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे वहाँ पे दो फ्रेंड ऑलरेडी मतलब पहुँच गए हैं, वो उनसे मिलाऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड। आपको गुजरात यूनिवर्सिटी आना है तो एलडी कॉलेज इंजीनियरिंग का बस स्टॉप है बीआरटीएस का, वहाँ पे मतलब आ जाओ, उसके इधर से मतलब आप चल के जा सकते हो, दो मिनट है। तो आपको कोई भी जगह अहमदाबाद से अगर बस से आ रहे हो तो एलडी कॉलेज याद रखना। तो स्टेट्यून अभी दिखाता हूँ आपको, मेरे दोस्त का वेट कर रहा हूँ। सबसे लेट मेरे को पहुँचना चाहिए तो सबसे जल्दी मैं पहुँच गया, दोस्त लोग लेट हो गए। लेट्स सी, देखते हैं अभी आते हैं। बहुत सारी बस गई है अभी, अभी तक उन लोग आए नहीं, मेरे को 10 मिनट हो गया, देखते हैं अभी कब आते हैं उन लोग। उन लोगों को मैसेज जल्दी आना चाहिए था। मेरे दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड आ गए, मेरी खुशबू और टक टक का अभी तक पता ही नहीं कभी आने वाला है वो। आरी मिलेगी काटने, कॉल किया बोलते आऊँगा। आप सामने ही देख सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी का क्लॉक टावर दिख रहा है, बहुत मस्त है। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है आप देख सकते हो, मेन कैंपस है, मेन कैंपस है मतलब क्लॉक टावर के जो आजू बाजू का एरिया पूरा मेन कैंपस बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज है, कैंटीन है क्या आप देख सकते तो अरे मतलब एकदम क्लीन सा है यूनिवर्सिटी, आपको एक भी कचरा दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ग्रीनरी हर जगह, और आप ये बिल्डिंग देख सकते हो एनिमेशन का है, मतलब एनिमेशन के कोर्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो अभी मैं वही एक्सप्लोर कर रहा हूँ वहाँ पे, देखने के लिए कौन कौन से कोर्स वगैरह है। तो आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, मस्त है अंदर से। तो अभी सेकंड थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के साथ, और टकटक आ गया, आप देख सकते हो मस्त कैंपस में हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं सब स्टूडेंट। मुझे ये देख के मेरे कॉलेज की याद आ गई। आप सामने देख सकते हो मैथ्स का है, और उसके बाजू में लेफ्ट में बॉटनी वाला है, और आगे केमिस्ट्री का आएगा। ये केमिस्ट्री का एनालिटिकल केमिस्ट्री पर शायद बंद है बिल्डिंग, आई थिंक सो, और ये न्यू बिल्डिंग है आप देख सकते हो, और ये नया केमिस्ट्री का है मतलब फार्मास्यूटिकल का, और केमिस्ट्री का ओल्ड वाला है। और सामने देख सकते हो नया बन रहा है कुछ रिसर्च का, पता नहीं क्या है, मुझे पता चलेगा तो मैं डाल दूंगा मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लेना। बहुत मस्त लगा मेरे को इसका डिज़ाइन। तो आ गया हूँ मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हो अंदर ही हूँ मैं, और मेरे को एक घंटा हो गया मतलब घूमते घूमते यहाँ पे। बहुत सारा मतलब आपको जो कोर्स करना है आप कर सकते हो यहाँ पे, बहुत सारी कॉलेज भी अंदर है। तो मैं आपको दिखाया था व्यू, आपने देखा रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट का नाम मैंने बताया। तो आपको और डिटेल देखनी रहेगी तो इसकी मैं वेबसाइट डाल दूंगा लिंक में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, और गार्डन आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारा है, वैसा हर एक जगह है, आप जिधर भी जाओगे तो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी घुमा था तो इसके कंपैरिजन में इसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब नया है। तो अभी देखते हैं, और भी मैं देखूंगा आपको बताऊंगा कैसा लग रहा है शेड्यूल। तो मेरा मेन रीज़न था यहाँ पे आने का पीएचडी का, मतलब इंक्वायरी करना था, तो मैंने किया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो सर लोग बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि जून वाले सेशन में तू आ और बात कर पहले, मतलब और पीएचडी अगर आपको करना है तो आपके पास पहले से फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे नेट वाली चलेगी और कोई स्टेट लेवल की जो भी रहेगी। तो सब उन्होंने बताया, अगर वो नहीं रहा इंट्रेंस टेस्ट लेके तुम्हें ले लेंगे, लेकिन बाकी खर्चा आपको देखना पड़ेगा। तो वो बताया अगर आपको पीएचडी करना है तो भाई कोई इंट्रेंस एग्जाम पहले क्लियर करो आप लोग, फिर मतलब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मतलब फंडिंग का टेंशन नहीं होगा, आप अपना रिसर्च कर सकते हो आराम से। तो स्टेडियम अभी और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको दिखा दूँगा। Trying to protect your soul.
आप देख सकते हो कैंपस मस्त है और यहाँ पे मतलब रैकेट खेल रहे थे अभी दो गर्ल्स लोग, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग। मुझे इसे मेरे कॉलेज की याद आ गई कि हम लोग डेडलाइन याद करते थे यार, कल सबमिट करना है, बैठ के डिस्कस करते थे, तो मज़ा आ रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, आप देख सकते हो पीछे, यहाँ पे मतलब जो भी ऑफिस वर्क वगैरह होता है यहाँ पे कैंपस आप देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बैठा हूँ मैं, देख रहा हूँ व्यू का आनंद ले रहा हूँ, गार्डन है और भाई 12 बज गया मेरे को घूमते घूमते, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ मतलब आपको अगर जो करना है सब मिल जाएगा आपको, पढ़ाई से रिलेटेड भाई बहुत कुछ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ शायद एक हफ्ता भी कम पड़ जाएगा, तो मैं जो मेन मेन चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, कैंपस अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना स्टेडियम। गुजरात यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है कि चलते चलते यार पैर दुख गया है, तो अच्छा हुआ टक टक बाइक लेके आया था तो उसके बाइक में बैठ गया मस्त। अभी जा रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना बड़ा है पूरा भाई गुजरात यूनिवर्सिटी, और भी है। अभी मैं जा रहा हूँ आपको ऑडिटोरियम दिखाने वाला, ओपन ऑडिटोरियम है, आप देखना। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऑडिटोरियम में, यहाँ पे ओपन ऑडिटोरियम, यहाँ पे मतलब नाटक वगैरह सिंगिंग कॉम्पिटिशन या कुछ भी है, मतलब कोई इवेंट हो यहाँ पे होता है, यहाँ पे बैठने का भी बनाया है आप देख सकते हो, बहुत मतलब मस्त है यार। अभी आधा घुमाऊँ यार, पूरा घूमना है लेकिन बहुत बड़ा है। तो जो मेन मेन था मैंने आपको दिखाया, आप देखना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए यार, कि दोपहर हो गई है घूमते घूमते, लेकिन बहुत मज़ा आया मेरे को, मतलब गजब का एक्सपीरियंस रहा है, जगह मेमोरेबल रहेगी मेरे लिए गुजरात यूनिवर्सिटी भाई, वाकई में भाई एक नंबर यूनिवर्सिटी है। अगर आपको पढ़ना है यहाँ पे आ सकते हैं, मेरे को मज़ा आया। मेरे को इंक्वायरी भी मतलब मेरे को डाउट जो थे मेरे पीएचडी के भाई वो पूरा क्लियर कर दिया उन्होंने, मेरे को बताया कि भाई इधर तू जा ऐसा होकर तो तेरा भाई काम हो जाएगा, तो भाई गजब का एक्सपीरियंस रहा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ब्लॉग का एंड यहाँ पे ही करता हूँ। तो अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आप गुजरात के हो भाई तो भाई सब्सक्राइब मारना, मैं और ऐसे अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अभी नए ब्लॉग में। Gracias.